हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपरनोवा क्लासेस। माई सेल्फ शुभम गुप्ता। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चल रही थी हमारी, और हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, और हमने चैप्टर नंबर 3 की स्टडी कर रहे हैं। जो हम चैप्टर नंबर 3 की स्टडी कर रहे थे, हम आज जो टॉपिक देखते हैं बेसिकली वो इंट्रोडक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो कंटेंट है हमारा वो है, सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहला टॉपिक देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हिंदी वालों के लिए, हिंदी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, यहाँ से मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और आप हिंदी में लिखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये इंग्लिश में है तो हिंदी वाले को नहीं करना, दोनों को करना है। मैं अभी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग, और यूपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एक नंबर में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें याद करनी है जरूर। ठीक है, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सबसे पहले मैं बताता हूँ इंग्लिश में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल व्हाइल कीपिंग मूविंग विद थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। This phenomena is called drifting and the velocity are called drift velocity. It is denoted by VD. इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर हमें पता है क्या होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, जिनकी चालकता हाई होती है, उनको बोलते हैं कंडक्टर। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो कंडक्टर होगा, अगर हम उसे किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके रेस्पॉन्सिबल के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होता है कि उसके अंदर रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब एक लेफ्ट डायरेक्शन में है तो एक राइट डायरेक्शन में होगा, एक अपवर्ड में एक डाउनवर्ड में होगा। ठीक है, एक इधर एक उधर, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से उनका मोशन कैसा होता है, रैंडम। कोई इधर मोशन कर रहा है, कोई इधर मोशन कर रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह से मोशन करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। जैसे ही वो जिस वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब बहना। ठीक है, फ्लो होना। तो क्या जो फिनोमिना है वो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्टिंग, और वेलोसिटी क्या कहलाती है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is denoted by Vt. इसको क्या बोलते हैं, Vt. ठीक है, V और suffix में D से denote करते हैं हम इसे। उसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये conductor है, ये हमारे पास कोई भी एक conductor है इस तरह से। ठीक है, ये conductor है। अब इस conductor के अंदर जो path होगा, जो ये free electron होंगे, कोई इधर motion कर रहा होगा, कोई इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, इस तरह से इन सभी का मोशन कैसा है, रैंडम। तो कैसा मोशन है ये, रैंडमली। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये हमारा कोई कंडक्टर है और इसके अंदर हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है ई, उसकी डायरेक्शन है ये लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ई की डायरेक्शन है ये हमारे पास। यह डायरेक्शन किसकी, ई की।
लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दाएं से, सॉरी बाएं से दाएं की ओर। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया लेफ्ट टू राइट, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा कि एक फोर्स लगता है, क्योंकि हमें पता है एफ इजिकल टू ई इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, ठीक है, तो वो फोर्स लगता है और वो फोर्स ये है, ये रहा, ठीक है, ये जो फोर्स है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट लगाया है तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो राइट टू लेफ्ट लगेगा, और जो ये राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा माइनस ई इंटू ई, माइनस यहाँ पर बेसिकली ई माइनस ई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके कारण, फोर्स के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करने लगेंगे, ठीक है, मोशन करने लगेंगे, किसके कारण, इस एफ के कारण। अब ये इसके अंदर और जो आयंस होते हैं उससे टकराएंगे, और टकराने के बाद एक कांस्टेंट स्पीड में फ्लो होने लगते हैं, कांस्टेंट स्पीड में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। इस कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कल हमने एक टॉपिक देखा था करंट, इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी, ठीक है, आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक वायर है कंडक्टिंग वायर, इसके 30 मिनट में 18 कूलम जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है, चालक में जो जो कंडक्टर है उसमें जो हमारे पास करंट फ्लो होगी वो हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। एक कंडक्टिंग वायर हैज फ्लो 18 कूलम चार्ज इन 30 मिनट, कैलकुलेट द करंट फ्लो इन कंडक्टर, कैलकुलेट द करंट फ्लो इन कंडक्टर। तो यहां पर जो टाइम है, हम यहां पर देखते हैं टाइम कितना दिया है इन्होंने, टाइम दिया 30 मिनट, 30 मिनट को चेंज करेंगे एमकेएस में 30 into 60 सेकेंड, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1800 सेकेंड। उसके बाद क्यू आई क्यू, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्यू इजिकल टू आई टी, तो आई का फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा, क्यू अपॉन टी, तो ये आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी, क्यू हमारे पास दे रखा है कितना 18 कूलम, अपॉन टी कितना है 1800 एम्पियर। तो यहाँ से हम जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद आएगा 10 की पावर -2 एम्पियर, ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारे पास 10 की पावर -2 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पुंज है, इसका जो अपर्चर है वो 1 mm² का है, ठीक है, इसके जो एरिया है उससे पर सेकेंड 6 × 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन इसके जो परपेंडिकुलर है वो फ्लो हो रहे हैं, हमें बताना है इसकी इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी और जे, ठीक है, करंट डेंसिटी। सबसे पहले आई का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी, ठीक है, आई का क्या फॉर्मूला है, क्यू अपॉन टी, ठीक है, क्यू क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, एन ई अपॉन टी, और पर सेकेंड की बात कर रहा है तो टी कितना होगा हमारे पास 1, कितने, तो आई किसके इक्वल हो गया, एन ई। अब एन देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, कितने सेकेंड हो रहे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, 6 × 10 की पावर 16, तो हमने रखा है यहाँ पर 6 × 10 की पावर 16 इंटू ई की वैल्यू हमें पता होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हमारा बेसिक चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर -19। जब इसे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9.6 × 10 की पावर -3 एम्पियर, और इसे अगर हम कन्वर्ट कर दें मिली एम्पियर में तो 9.6 mA, ठीक है, और हमें बताया जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होगी, अपोजिट। सेकंड पार्ट जे निकालना है, जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, क्या होगा आई अपॉन ए, आई निकाल चुके हम 9.6 × 10 की पावर -3 अपॉन एरिया उसने दिया है यहाँ पर 1 mm², इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 1 mm 1 × 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 10 की पावर -6, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा 9.6 × 10 की पावर 3। तो इस तरह से हम और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आप सभी को प्रैक्टिस करनी है और न्यूमेरिकल की, हमारे एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं इसके ऊपर, वो करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।